20 मई को लोकसभा का इलेक्शन हमारे अपने हलके का है, हमारे इलाके का है, और हम लोग 20 मई को वोट डालेंगे। शहर की आवाम, तालुके की आवाम, लोकसभा क्षेत्र की आवाम, और आप लोग जानते हैं कि एक तरफ एनडीए अगाड़ी है और दूसरी तरफ इंडिया अगाड़ी, और हमारे इंडिया अगाड़ी जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर शोभा बच्छाव वो उम्मीदवार है, और हम लोगों ने इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा घटक दल है, बड़ी पार्टी शामिल है, और हम लोगों ने शुरुआत, आप लोगों ने देखा कि जुमा के दिन हम लोगों ने गांधीनगर चौक पर जलसा लेकर उम्मीदवार को बुलाकर प्रचार की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हमको कोई अधिकृत पाठिंबा देने की जरूरत नहीं है, हमारे अलायंस के अंदर ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, इसके लिए हमको कोई स्पेशल हिमायत देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने प्रचार शुरू कर दिया, वोट मांगना हमने कांग्रेस पार्टी से के उम्मीदवार के लिए शुरू कर दिया है। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है, प्रेस का जो मकसद है हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग अभी खत्म हुई, हमारी चर्चा हुई, और चर्चा के अंदर ये बात हमने फाइनल किया, फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर भर में जहां जहां पर भी कॉर्पोरेटर है, जहां जहां साबिक कॉर्पोरेटर है, जहां जहां पार्टी का वर्कर हमारा मौजूद है, हर गली हर कूचे में हर इलाके के अंदर, हम हमारी पार्टी की तरफ से उनको यादी आज से हम लोग उनके पास भेज रहे हैं, और यादी के ऊपर जमीन लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल अमली तौर पर हम लोग उनको काम के हुक्म दे रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम की आज जरूरत है, और ये यादी जाएगी, आज हमारी शुरुआत हो जाएगी, शहर भर के अंदर यादी तकसीम हो जाएगी कल तक, और हर इलाके के अंदर हम लोग प्रेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कौन से इलाके के अंदर कौन से जिम्मेदार के पास कौन सी पेटी नंबर की यादी हमने दी है, आवाम को हम बोलेंगे, आवाम जाकर उनसे मुलाकात करे, अपना नाम चेक करे, अपनी स्लिप बनाए, और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मदद करने के लिए, आवाम के लिए तैयार है रहेंगे। ये फैसला आज हमने लिया है, और आप लोगों को पता है कि यादी बिना फोटो वाली आई है, कुछ नाम 50 नंबर यादी में, तो कुछ वही यादी के 100 नंबर यादी में चले गए, पूरी बिखरी हुई यादी है, बहुत इंतहाई खराब है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है कि वोट परसेंटेज हमारा गिरे, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जलसा, जुलूस, रैली, ये सब करने से बेहतर है कि हर शख्स को स्लिप बटे, हर शख्स, हर माँ बहने, हर बुजुर्ग और नौजवानों तक, वोटरों तक स्लिप पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बढ़े, ये हमारी हमने ये फैसला आज लिया है, और आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है, नंबर एक। नंबर दो, इस बात का भी हमने फैसला किया है कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलका, मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र और रमजानपुरा दरेगांव मालदा शिवार, ये इलाकों के अंदर जहां जहां भी पोलिंग सेंटर है, मेरी मालूमात के हिसाब से तकरीबन 50 से 55 पोलिंग सेंटर है, उन पोलिंग सेंटर के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से दो दिन पहले हम लोग स्टॉल लगाएंगे, मंडप डालेंगे, वहां पर कुर्सियां, टेबल, और वहां पर यादी रखी जाएगी, और वोटरों के लिए पानी का नज्म, चाय पानी का नज्म, और हमारे शहर के आवाम के लिए पानी का नज्म, धूप बहुत है, और उनकी पूरी हेल्प पोलिंग सेंटर के ऊपर भी हम लोग करेंगे, इस बात का फैसला लिया गया है।
मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के अंदर हिस्सा ले। और हमारा एक ही मकसद है, हर पार्टियों के अंदर अलग अलग इख्तिलाफ होते हैं, अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन जहां सेकुलर नज़रिया एक साथ जमा हो जाता है और जहां पर मुल्क की हिफाजत की बात आती है, जहां मुल्क की संविधान की बात आती है, जहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर किसानों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर बेरोजगारी की बात आती है, जहां हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल की बात आती है, तो हमको सबसे पहले इस मुल्क के अंदर 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का बाटोला किया है, इस देश को समाज में बांटने का काम किया है, बेरोजगारी दी है, किसान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, काले कानून बनाए गए, इसके लिए आज सबकी जिम्मेदारी है कि सब पहला मकसद हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना मरकज से, और देश को बचाना, संविधान को बचाना और भाईचारा को बचाना। इसके लिए आज हम लोग जिम्मेदारी लेते हुए तमाम ही पार्टी के वर्कर, शहर भर के जिम्मेदार मिलकर हम लोग भाजपा को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये आज की मीटिंग के अंदर लायमल तैयार किया गया है। हमेशा पार्टी या इलेक्शन में माहौल गर्म लेता, आपने गर्म किया, बाकी कब गर्म? जो लोग गर्म नहीं कर रहे उनसे अभी आपने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप इंडिया अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है जी। पीछे कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है, तालमेल की कुछ कमी है, समाजवादी भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है, तो कुछ मुश्तरका तौर पर कोशिश की जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग कोसों दूर है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इंडिया अलायंस की आज तक मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव शहर के अंदर मीटिंग नहीं हुई। ये कमी हमारी इंडिया अलायंस के तमाम ही लीडरान की है, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, ये बात का एतराफ़ हम लोगों को है। लेकिन अभी हमारे पास शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदौड़ के साबिक MLA है, कांग्रेस नासिक ज़िला ग्रामीण के अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अभी हमारे पास आए हुए हैं, और हमारी उनसे उसी ताल्लुक से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। बहरहाल वक्त कम है, ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कम वक्तों के अंदर ज़्यादा काम करे। और उन्होंने भी कहा है कि आज या कल में इंडिया अलायंस के लीडरान की बैठक होगी। कौन कौन आने वाले? साबिक MLA शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदौड़ के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए बनाए गए कांग्रेस पार्टी के, नासिक जिले के ग्रामीण के, वो आए हैं, और हम वो सीनियर नेता है, और मेरे वालिद के साथ वो MLA भी रहे, और उनको बहुत तजुर्बा है, वो आए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आने से जो भी कमजोरियां थी, जो भी दूरियां थी, या जो भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो मैं समझता हूँ वो हल होगा। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को अलग अलग नामों से कुछ लोग हिमायत दे रहे हैं, माजी में उन पर फिरका परस्त होने का इल्ज़ाम भी लगा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? पहली बात तो ये, कौन हिमायत दे रहा है, कौन मुखालफत कर रहा है, हमारी उम्मीदवार की तरफ से मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ, वो डायरेक्ट उम्मीदवार का उन लोगों का कॉन्टेक्ट है, मैं कोई हिस्सा नहीं लिया हूँ। इसके लिए मैं समझता हूँ उनका जवाब जो है वो डॉक्टर शोभा बच्चाओ साहब अच्छे ढंग से आपको दे सकते हैं, कि वो उम्मीदवार ऐसी तंजीमें भी हिमायत दे रही थी आज़ादी के पास से किसी भी सियासी नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसे मेरे न्यूज़ पढ़ने में नहीं आई, या व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया मैंने कहीं देखा नहीं कि अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म की अगर दीनी तंजीमें, सामाजिक तंजीमें अगर ऐलान करती है, तो ये उनका अपना मसला है कि उनका क्या नज़रिया है। मैं समझता हूँ आप लोग उनसे ये सवाल करें तो बेहतर। मतदार संघ की कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओ के प्रचार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक और जलसा लिए जाने का तय हुआ है, जो आखिरी जलसा होगा, और वो 17 तारीख बरोज जुमा को मुशारत चौक पर होगा।
मैं आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूँ और पार्टी के तमाम ही छोटे मोटे जिम्मेदारान से, वर्करों से अपील करता हूँ शहर की आवाम से कि जलसे को भी आप लोग कामयाब बनाएं।